दोस्तों, अगर आप झारखंड में EWS सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपके पास में खतियान होना चाहिए, या फिर दोस्तों अगर 1985 से पहले आपने कहीं पे जमीन झारखंड में परचेज किया है तो उसका डीड चाहिए, और साथ में दोस्तों आपको एक रसीद चाहिए। दोस्तों, जमीन के पेपर के साथ में दोस्तों आपको CO लेवल का आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। साथ में दोस्तों 8 लाख से कम और 1,20,000 से अधिक का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में इतना डॉक्यूमेंट है तो दोस्तों आप EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट को बनाने के लिए इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट को बनाने के लिए गूगल क्रोम पे आएंगे और झार सेवा लिख करके और सर्च कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन पे जाना होगा, और वहाँ पे दोस्तों आपको एक आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर लेना होगा। तो आईडी पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिख करके, और दोस्तों यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। और जब आईडी पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल आईडी को फिल कर देना है, जिस ईमेल आईडी से आपने यहाँ पे आईडी पासवर्ड को क्रिएट किया था। और पासवर्ड के ऑप्शन पे पासवर्ड को फिल करके और कैप्चा को फिल करके यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही इसका इंटरफेस दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अब EWS सर्टिफिकेट को बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू ऑल एप्लीकेबल सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो आपको यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट को बनाने के लिए यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स पे EWS सिर्फ लिखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका EWS का जो सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे SDO लेवल का EWS सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए सेकेंड नंबर वाले ऑप्शंस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और फर्स्ट वाले ऑप्शन दोस्तों CO के थ्रू में आप EWS सर्टिफिकेट को यहाँ से बना सकते हैं। तो SDO लेवल वाला तो दोस्तों सबसे पहले आप CO के बनाएंगे, तब जा कर के SDO लेवल का ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे आपको जा कर के और बनाना होगा CO लेवल से EWS सर्टिफिकेट को। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन टाइप के ऑप्शंस पे यहाँ पे नॉर्मल को सेलेक्ट करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे अगर तत्काल में आपको या इसे बनाना है तो तत्काल वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे, और इसका क्या रीज़न है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इन सारी चीज़ों को, जैसे कि एडमिशन है, एम्प्लॉयमेंट है, या फिर एडुकेशन के लिए आप कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो नॉर्मल मैं कर लेता हूं और आगे का प्रोसेस को यहां पे दिखा देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे फुल नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पे आपको फुल नेम फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे लिंक आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां पे मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करना है, फिर दोस्तों यहाँ पर ई मेल आई डी को सेलेक्ट कर लेना है। ई मेल आई डी को यहाँ पर फिल करने के बाद में दोस्तों आपको नीचे चूज फाइल के ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर 20 KB से अधिक और 50 KB से कम साइज का एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको पहले से बना करके और रख लेना है। और दोस्तों यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ से जहाँ भी जिस भी फोल्डर में आपने फ़ोटो को रखा है उसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगला स्टेप में दोस्तों रिलेशन डिटेल को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए दोस्तों सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ या फिर जो भी हो दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पिता का नाम या फिर पति का नाम सेलेक्ट करके और यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों ये मैं यहाँ पे सन ऑफ करके और पिता का नाम को फिल कर दिया हूँ। अब दोस्तों अगला डिटेल में यहाँ पे कास्ट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है हिंदू जो भी है रिलीजन, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके और जनरल को यहाँ पर कैटेगरी के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों EWS का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ जनरल वालों का ही बनता है। यहाँ पे दोस्तों कास्ट नेम में यहाँ पे जो भी आप कास्ट हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आप राजपूत हैं तो यहाँ पे राजपूत आप लिख देंगे। इतना करने के बाद में दोस्तों अगला डिटेल्स जो है उस डिटेल में आपको दोस्तों यहाँ पे
फैमिली मेम्बर को यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको नेम का जो ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों आपको नाम को यहाँ पे फिल कर लेना है। और नाम को यहाँ पे फिल करने के बाद में दोस्तों जो भी रिलेशन है उस रिलेशन को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप एज टाइप कर देंगे और यहाँ पे पैन कार्ड को फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों इसको ऐड करने के लिए प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब अगला स्टेप में दोस्तों फैमिली इनकम डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे करंट ईयर को सिलेक्ट करना होगा और दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी वाले ऑप्शंस पे, यहाँ पे अगर सैलरी से इनकम आती है तो उसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अगर कृषि से दोस्तों आपके पास में इनकम आती है तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, और नहीं आती है तो दोस्तों यहाँ पे ज़ीरो आपको कर देना है। अगर बिजनेस है आपके पास में तो बिजनेस से कितना आपका इनकम हो जाता है सालाना, वो यहाँ पे फिल कर देना है। अगर पैसा से कोई इनकम होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अन्य स्रोत से अगर कोई भी इनकम होता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और नहीं होता है तो ज़ीरो लिख देंगे। दोस्तों आपका टोटल एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अगर कृषि भूमि है आपके पास में तो यहाँ पे डिसमिल में है तो डिसमिल लिखेंगे, एकड़ में है तो एकड़ लिखेंगे। अगला स्टेप में दोस्तों आवासीय मकान का कुल क्षेत्रफल वर्ग फीट में क्या है, तो जैसे कि दोस्तों 500 मीटर है तो 500 मीटर यहाँ पे लिखेंगे, 400 मीटर है तो 400 मीटर यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप कुल भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं दिखा सकते हैं, इसका आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, अन्यथा दोस्तों आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अप्रूव नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों अगला स्टेप में यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिल करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको विलेज के ऑप्शन पे जाना है और विलेज को सेलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट रहेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, साथ में दोस्तों यहाँ पे अनुमंडल को सेलेक्ट कर लेना है, फिर दोस्तों यहाँ पे अंचल को सेलेक्ट कर लेना है। अंचल को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है उसको फिल कर देना है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन को भी फिल कर देना है, यहाँ पे आपको टोला मोहल्ला यहाँ पे लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप रूलर से बिलोंग करते हैं तो रूलर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, म्यूनसिपालिटी का ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी दोस्तों आप बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वार्ड नंबर को दोस्तों इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, तो इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में दोस्तों आपको यहाँ पे यस को ही सेलेक्ट रहने देना है और नीचे आ जाना है दोस्तों यहाँ पे आपको, और कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है, इस वाले कैप्चा को आपको यहाँ पे नीचे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से ड्राफ्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव करने के बाद में दोस्तों आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जो भी डिटेल्स फिल किए होंगे वो सारे डिटेल्स यहाँ शो करने लगेंगे। एडिट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर गलत फॉर्म में आप फिल किए हैं तो एडिट के ऑप्शन पे जा करके सुधार सकते हैं। अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले दोस्तों आपको आधार कार्ड को, इनकम सर्टिफिकेट को और आवासीय प्रमाण पत्र को और ज़मीन का जो रसीद है उस रसीद को और खतियान को, या फिर खतियान नहीं है तो डिड को, इसका सबका दोस्तों एक साथ एक फाइल बनाना है और उस फाइल को यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे जा करके और सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट में दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब सेकेंड में दोस्तों आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और चूज फाइल के ऑप्शन पे जाना है। और दोस्तों जो भी आपने फाइल बना करके रखा है PDF उसको चूज फाइल के ऑप्शन पे जा करके और अपलोड कर देना है। अगला स्टेप में दोस्तों आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको सेलेक्ट करके और चूज फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और सभी डॉक्यूमेंट का एक साथ एक PDF बना लेंगे, PDF फाइल, और उस PDF फाइल को यहाँ पे दोस्तों आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में दोस्तों आपको सेव एनेक्सर के ऑप्शन पे क्लिक करना है,
यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे सबमिट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इसका कैनोलेजमेंट स्लिप आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो दोस्तों इसे प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट PDF का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट PDF करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो कैनोलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड होकर के और आ जाएगा। अब इसका स्टेटस को चेक करने के लिए अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशंस का ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे डेट वाइज आप चाहे तो यहाँ पे सेलेक्ट करके और इस EWS सर्टिफिकेट को यहाँ पे इसका स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ऐप रेफरेंस नंबर का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर को भी सेलेक्ट करके और गेट डिटेल्स के ऑप्शंस पे जाएंगे तो दोस्तों इसका स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों ये फॉरवर्ड नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे करेंट स्टेटस के ऑप्शंस पे देखेंगे तो दोस्तों एंट्री लेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही दोस्तों कर्मचारी के पास में ये फॉरवर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर कर्मचारी का भी दिखेगा और CI के पास भी दिखेगा और CO के पास में भी दिखेगा। जब अप्रूवल हो जाएगा तो दोस्तों यहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं EWS सर्टिफिकेट को। दोस्तों EWS सर्टिफिकेट को बनाने के बाद किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में 10% का आरक्षण आप यहां से ले सकते हैं इस सर्टिफिकेट को बनाने के बाद में। तो दोस्तों इस सर्टिफिकेट को बनाने का जो प्रोसेस है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो सभी को झारखंडी जोहार।